और फिर हमारी जिंदगियों से अमली तौर पर ये जहर होने के काबिल हो सके। हम प्यारे आसमानी बाप तेरी हजूरी में इल्तिजा करते हैं कि बाप तूने अपने बेटे को जो इस जहान में हमारे गुनाहों की खातर भेजा और उसने अपनी जान का फिदिया देकर हमारे लिए मखलसी की राह को खोला, दिल की गहराइयों से उसकी कुर्बानी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। आसमानी बाप तू बतिया इबादत में भी हमारी रहनुमाई कर, ये दुआ मांगते हैं तेरे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन करता हूँ। और इन पर यीशु मसीह की एक ही बार चढ़ाई गई अबदी माकूल कुर्बानी को रखता हूँ कि खुदावंद ने रोटी और मैली शुक्र किया और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया, ये नए अहद का मेरा खून है जो बतेरों के गुनाहों की मुआफी के लिए दिया गया, खाओ और पियो मेरी यादगारी में यही किया करो कि जब कभी तुम ये रोटी खाते और ये मैं पीते हो तो तुम खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए, आमीन। यीशु का बदन और खून तेरे दिया गया, आमीन। अब खुदावंद आप सबको पाक शराकत के लिए दावत देता है। वह मौजूद
कह सकते हैं कि बहुत नेक सीरत इंसान सी, सीधा बंदा, जिन्हों कहते ना सीधा बंदा, वो सीधा बंदा सी। मेरे अजीजों इंसान वो इंसान सी कि जिन्हें घरदियां तो लैके गली महल्ले दे विच पिंड दे विच जिस मालिक नाल वो काम कर रहा उहदी हद तक ऐसा इंसान सी कि जिन्हें किसी का अज तक दिल नहीं दुखाया। हमेशा सादगी 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 च रहा, हमेशा आला इखलाक, नेक दिल और हर लिहाज ना देखते हुए अगर उन्होंने देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि वह खुदावन खुदा दे बरगजीदा लोगों के पाया जाएगा। मेरे अजीजों अगर वो गल की जाए ओदी नेक सीरत के बारे ओदे ईमान के बारे तो तुहानू सारयां नू पता है कि अक्सर ही सेव वगैरह करता सी ना, सेव वगैरह करता सी। ते एक पिंड दा बंदा चौधरी मेरे कोल आया, मैनू कहिंदा यार मैं मत्ती नू रखना, मैनू कहिंदा कि मैं ना मत्ती नू रखना चाहना। मैं कहा पुछ ला, उन्हें पूछा तो कहते यार मैं नहीं रखना, मैं नहीं रहना। क्या नहीं रहना तो तेरी मर्जी है चौधरी, मैं नहीं रहना तो तेरी मर्जी। कहता यार मैं पैसे देने ने तो काम करवाना है, मैं पैसे देने से काम करवाना, मैं और भी किसी बंदे रख सकना। लेकिन कहता इस बंदे का एक फायदा है कि जो नौकर असी रखना ना असी आप ही नौकर हो जाना भी अब पहले उन्होंने सुबह की रोटी दे दो फिर दोपहर की फिर शाम की। एदा यह फायदा साढ़े अंदर बार जिते मर्जी भी फिरे सू टेंशन कोई नहीं। अगर मेरे असीजो ओदी नेक सीरती ओदे पाकतावन हर लाज ना देखिए तो बहुत अच्छा सी। अगर उन्होंने देखा जाए घर की हद तक बद तहजीबी या बदतमीजी, जदों के असी पैदा होए हैं असी ओदे हथां च पैदा होए जमे पले जवान हो गए हुण बुढ़े हो चले हैं, उन्होंने किसी नाल बदतमीजी करदिआं नहीं देखिया। मैं राती भी अपने घर गल कर रहा सा, मैं कह के मेरी असी भी काफ़ी उम्र सीधा हो गए हैं बुढ़े हो चले हैं, लेकिन मैं उस इंसान के विच एक खूबी वेखी है। वो खूबी यह सी कि मैं अज तक उन्हों अपनी अम्मी या अबू के अगे उच्ची आवाज़ का गल करदा नहीं देखा, बदतमीजी करदा नहीं देखा, बद तहसीबी करदा नहीं देखा। मेरे जीरो साढ़े चाचे बेजी के मती जिन्होंने नाम तो मेरा ख्याल है कि हर बंदा वाकफ है। अज असी जिस मकान से हाँ, अज असी पढ़े लिखे हाँ, अच्छिया पोस्टा से हाँ, अच्छे सरमाए ने, कोठियां कारां दे मालिक हाँ। मेरे अजीजो ये वो सच्चाई है जिन्हों असी रद्द भी करना चाहिए तो कर नहीं सकते। ये इन्हों दो बंद का बहुत अहम रोल है। इन दो इंसान ने अपनी जवानी जी ना वो साढ़े उत्ते वक्फ की है, साढ़े कुरबान की है। ये वो इंसान ने जिन्होंने सानू बचपन तो लैके अज तक किसी खुशी तो महरूम नहीं रहन दिता। सो साड़ी ये दुआ है, असी भी कोशिश यही की है, सानू पता है कि उन्होंने बच्चे कोई नहीं, असी भी हमेशा यही कोशिश की है कि असी भी उन्होंने अपने बच्चे ने याद आ दिए। असी भी हमेशा कोशिश यही की है कि असी उन्होंने पुत नहीं, उन्होंने भतीजे नहीं, हमेशा उन्होंने पुत बन के विखाइए। मेरे अजीजो इस इंसान जिहड़ा साडे इस टाइम इस दुनिया पानी तो पूछ कर गया जिहड़ा सानू छड्ड गया है, ये साडा चाचा भी साडा दोस्त भी तो साडा भरा भी सी, हर मुश्किल वक्त ते साडे नाल खलोता है। और उम्मीद है कि खुदावंद खुदा दे बरकसीदा लोगों के बाप इब्राहिम की गोद के जगह होगी। सर मेरी तरफों सारे सलाम।